गाम की बात बताए जाओ बाबू आओ तो गाम में ते जा जाओ गली में ते निकल तागत को तो को पाज मो में अतू नन जो सुजू से कर जो जाए हो में आओ सो गली में ते जा जाओ निकल के। अब एक छोरा था जो छत पे, कहां था जो छत पे ऊपर जा, मैं गली में नीचे सो मोते ऊपर ते मौका जके बोलो न्यो मैं निकल के जाए जो आधा मत चलो जा जाओ न्यू अंतु अंतु ऊपते बोलो बाबू सो भैया मैंने सुनी का को ऊपते आवाज दे जाओ मैंने बातें कही मैं कहा जे बाने कही सुने तो मैं मुंह तक ही दादत ही बाय देंगो बंतु तागत ही बाजो बोलो मुंह तक ही दादत ही बाय देंगो भैया तागत तो मुंह में हुआ थी सो मैं खून को लेगो गुस्सा के मारे मैंने बात एकदम गुस्सा में कही मैंने कही ओए मूठी जो जे मूठ सो भैया बाने आओगे नो नाओ भूख जो जाए बाबू ते सो भैया बान तो पुतू पते दे मुँह तो ताजे थे सो भैया मेरे मैंने तो मैंने कही बाबू त्याई नाक कटे गई सो मैंने तो ले फुज फुजी थुको थुको याद पकड़ी मुँह तक ही दाद एक झटका में ऊपर चले गो सो जाता ही जाता मैं छाती पे गोतू दे दो न्यू सो इतने मुँह तो बंद बिते बोलो बंद दोनों काम एक संग कर दादे बाबू ने चूंकि बाबू को तो खेल ही कर दो और तो तुम्हें बता दो यंते मैं तो गाय के चलो जाऊंगो पर तुम सिगन्य थे कह दो अगले महीने ही 35 तारीख को नोता है मेन यंग टेंशन लेवे की जरूरत ना ने चमिला की तीज में रह तुम बिल्कुल ले में चमिला मेरे पास आई मैं चमिला के तीज में कम से कम यू मान लो 60-70 बीघा बूझो भाई दो मैंने सो आज हम आज जो को टेंशन लेवे की जरूरत ना गाम के ताल में कदो मैंने दही और चार 5 बीघा में जैसा गुल्ला है 7-8 बीघा में जलेबी कदन एक एक कुंतल को छठा लतक के दो विश्वास होने ये तुम आज कबांगो तुम हाँ एक एक कुंतल को छठा लतक के दो नोता में कम माल में कोई कमी ना है तो सिगजने आइयो झजा में लगा तो चूल नोता है सिगजने को हाँ और जो बताऊ तुम्हें बात चलते चलते मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि भगवती का दरबार है झांकी आ गई हाँ तो झांकी से पहले मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा उसके बाद में झांकी के दर्शन करेंगे उसके बाद अगर तुम कहोगे तो फिर से मैं और नहीं तो आगामी कलाकार और भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी की हाजिरी होनी है माँ के चरणों में। हाँ जी तीसरा दिखाओ भैया। हाँ जी कहा है ना एंट्री ये और जब ऐसे ते कहा जाएंगे बिनु गए तो नेक नेक सुन लो को बेउ जाई को आए बेचारे आओ। हाँ जी तीसरा है मैं कहना चाहता हूँ भैया कहाँ गए वो हमारे जहाँ बैठे वो गए निकल गए क्या तुम अरे तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये साक्षात भगवती सामने विराजमान है और इसकी कृपा हमेशा बनी रहे आप सब लोगों पे और हमारे जितने भी बजाने वाले हैं साउंड वाले हैं मैं हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं कहता हूँ भगवती से हमेशा भगवती इन पे कृपा करना और इनकी झोली हमेशा भरते रहना क्योंकि इस माँ की कृपा भैया अगर थोड़ी सी भी है अपने ऊपर और इस माँ की नज़र अगर अपने तरफ थोड़ी सी भी है नज़र माँ की नज़र अपने ऊपर थोड़ी सी भी है तो मैं कहता हूँ दुनिया में करोड़ों दुश्मन पैदा हो जाए तुम्हारे कोई बाल वाका नहीं कर सकता और अगर इसकी नजर थोड़ी सी भी तिरछी हो गई या टेढ़ी हो गई तो दुनिया में तुम्हें करोड़ों बचाने वाले पैदा हो जाए तो भी इससे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि ये जगत की माँ है। तो मैं चलते चलते थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी कि खुश होती है हो कि खुश होती है मेरी मैया तो सब ठाट देती है कि खुश होती है मैया तो सब ठाट देती है पर जो कहते हैं
कोई ताकत का घमंड करता है, कोई पैसे का गुरूर है किसी को, तो ये इनको दो दिन में, दो मिनट में घमंड चूर करती है ये मेरी मैया। कि खुश होती है मेरी मैया तो सब ठाट देती है, पर ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है। खुश होती है, खुश होती है मेरी मैया सब ठाट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है। भैया ने कहा ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है। इनके दरबार में जाना, दरबार में जाना, श्रद्धा से शीश झुकाना, श्रद्धा से शीश झुकाना, इनके दरबार में जाना, श्रद्धा से शीश झुकाना, देखेगी नजरें भर के दे देगी तुम्हें खजाना, देखेगी नजरें भर के दे देगी तुम्हें खजाना, देखेगी नजरें भर के दे देगी तुम्हें खजाना। अपने भक्तों पे, अपने भक्तों के घर दौलत से काट देती है, अपने भक्तों के घर दौलत से पाट देती है, पर ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रेल की बात की थी आपसे, कहे की रेल की, तो एक तो वो रेल है लोहे की और एक ये अपनी रेल जीवन रूपी ट्रेन जिसे बोलते जीवन रूपी रेल, उसमें गार्ड आता है हरी झंडी दिखा देता है तो रेल निकल जाती है ना। मगर इस जीवन रूपी ट्रेन में भी गार्ड आता है, पता नहीं कब गार्ड आएगा और हरी झंडी दिखाएगा और ये रेल निकल जाएगी। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। एक चीज और, वो रेल चलती है काय पे, लोहे की पटरी पे, मगर ये जीवन रूपी ट्रेन काय पे चलती है बताएं, पता है? नहीं, वो चलती है पटरी पे काय की, लोहे की पे, और ये जीवन रूपी ट्रेन काय पे चलती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। और गार्ड के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। उस ट्रेन में सफर करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, किस चीज का बाबा? टिकट का। अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं हुई ट्रेन में तो आपको पुलिस आएगी और पकड़ लेगी, मगर इस जीवन रूपी ट्रेन में टिकट की जरूरत पड़ेगी। उसमें तो अपन पैसे से कागज की टिकट खरीदते हैं, मगर इस जीवन रूपी ट्रेन में काय की टिकट लेनी चाहिए, और काय की टिकट होगी जिससे अपन को पुलिस वाला ना पकड़े। तो किस चीज की ट्रेन? वो टिकट, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना, अच्छे कर्मों की
वरना कहते हैं कि मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना अगर जाएंगे तो राधे श्याम मिलेंगे, अगर अयोध्या गए तो श्री राम मिलेंगे, मिलेंगे अगर भूल से जेल चले गए तो आसाराम भी मिलेंगे। इस वजह से कहता हूँ क्या, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पीटिया है तो उसे दिखा देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पीटिया है तो उसे दिखा देना, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए।